हेलो फ्रेंड्स, टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ट्रिक्स, मेथड्स, प्रॉब्लम्स और डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते रहते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप फ्रैक्शनल नंबर्स का एलसीएफ निकालना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शनल नंबर्स के एलसीएम निकालना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है और आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में कहीं पर आपको एक लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आते हैं। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर के जैसा ही है, बस उसके फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शनल नंबर के एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें न्यूमिनेटर वाले नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा अपॉन डिनोमिनेटर वाले नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ऐसे हमारा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इसे सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है, इसमें हमें 5/8 और 1/2 का एचसीएफ निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम न्यूमिरेटर का एचसीएफ निकालेंगे। इसमें न्यूमिरेटर क्या क्या है? 5 और 1। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं 5 और 1 का। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 × 5 और 1 को 1 × 1। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो 5 और 1 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। मीन्स एचसीएफ ऑफ न्यूमिरेटर कितना निकल गया हमारा? 1। अब हम एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालेंगे। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या क्या है? 8 और 2। इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं 8 और 2 का। 2 से करते हैं सबसे पहले, 2 4 8, 2 1 फिर 2 से हो जाएगा 2 2 और 2 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 2, दैट इज 2 2 4 2 8। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमिरेटर आया 1 और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर आया 8। तो इसे फॉर्मूले में रख देते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1/8। और यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए 3/4, 5/6 और 6/7 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम न्यूमिरेटर का एचसीएफ निकालते हैं। न्यूमिरेटर है 3, 5 और 6। 3 को कैसे लिख सकते हैं? 1 × 3। 5 को 1 × 5। 6 को 1 × 3 × 2। तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब 3, 5 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। मींस जो एचसीएफ ऑफ न्यूमिरेटर क्या होगा? वो 1 होगा। अब हम एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालते हैं।
LCM of denominator. Denominator number क्या क्या है इसमें? 4, 6 और 7. 4, 6 और 7. 2 से करते हैं डिवाइड. 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 7 ऐसी रहेगा. तो LCM कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 मीन्स 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84. तो LCM कितना आ जाएगा? 84. तो HCF ऑफ न्यूमिरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर हमारा निकल गया है. अब हम सीधे सीधे वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख देंगे. तो HCF ऑफ फ्रैक्शन कितना आएगा? 1 अपॉन 84. और यही क्या होगा? आंसर होगा. तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने फ्रैक्शनल नंबर का HCF निकालना सीखा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और साथ ही इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस में ज़रूर शेयर करें. ऐसे ही और ट्रिक्स हिंदी में सीखने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.